अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी मोहम्मद सुफियान एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर सूफी ब्लॉग। सो गाइस, ये है ताहा अब्दुर्रहमान। ताहा भाई कैसे हैं? सो गाइस, आज वीकेंड है, आज जुम्मे का दिन है और बहुत बबरकत वाला दिन है क्योंकि दिन अभी गुजर गया है, अभी है शाम और हमारा है वीकेंड और हम वीकेंड सेलिब्रेट करने जा रहे हैं लाइचीची लोकल फूड स्ट्रीट में और आपको दिखाते हैं कि फूड स्ट्रीट चाइना की कैसी होती हैं। और ये आप चेक करें चाइना की रोड्स वगैरह और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत फुल माहौल माशरा है। तो हम भी फिर चलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। गाइस आप चेक करते हैं, ये हम हारी है लाइचीची इधर हमारे यूनिवर्सिटी के पास जो फूड स्ट्रीट है, इसमें आपको हलाल डाइनर तो नहीं दिखा सकते लेकिन हलाल फूड की स्ट्रीट दिखा सकते हैं। और चाइना में लोकल मार्केट इस तरह की होती हैं गाइस, जैसा कि आप चेक करते जाएं। ताहा भाई, सो गाइस ताहा भाई ने बाइक पार्किंग लगा दी है गलत जगह पे और गाइस आपको दिखाते हैं ये क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो गाइस ये अपनी कोई ना फूड है इसके पास ये, और ये सेल कर रहे हैं। इस तरफ ताहा भाई हैं, ताहा भाई चला गया। सो गाइस हमने ना यहाँ से चाबी बनवानी थी, ये की मेकर बैठा है, इसकी शॉप इस वक्त क्लोज हो गई है। इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में हमें छुट्टी है, हम कल आएंगे और कल हम देखेंगे, कल हम ले गए यहाँ से, हमने वो एक चाबी बनवानी है क्योंकि हमसे एक चाबी हो गई है गुम। लेट्स ये चेक करें गाइस, ये ट्रेडिशनल हो गई क्या कह सकते हैं ज्वेलरी, और ये भी भाई मौज मस्ती में छुट्टा छुट्टा चल रहा है। इस तरफ फिर आप चेक करें गाइस, ये भी ज्वेलरी हो गई इनकी, दो दो तीन तीन जवान की। जी हाँ हेलो, तो गाइस ये भी चेक करें और इस तरफ चेक करें तो जाएँ गाइस, ये है इनकी ज्वेलरी वगैरह। ये गाइस चेक करें कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, और ये यहाँ के ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं और ये कुछ फास्ट फूड वगैरह आ गई है इस तरफ गाइस। तो गाइस इस तरफ आपको दिखाते हैं गाइस, ये चेक करें इस तरफ भी आ गई है ज्वेलरी आ गई है, इसमें भी काफ़ी आइटम्स वगैरह आते हैं और इस वक्त ये लोग वगैरह देख रहे हैं। तो नेक्स्ट गाइस ये चेक करते जाएं, ये इसमें क्यूट क्यूट सी कैट्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं, प्रॉब्लम हो गया। तो गाइस ये चेक करें और इस तरफ गाइस ये चेक करते जाएं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये नेक्स्ट अगेन ये आ गई, ये परफ्यूम वगैरह आ गई हैं और हाँ तो गाइस ये भी बैठी है और ये गाइस ये कुछ आ गए हैं, ये गाइस फिर नेक्स्ट बिल्लियाँ आ गई हैं। ये इस तरह लोगों ने फूड स्ट्रीट में अपने रोज़गार लगाए हुए हैं। ये देखें छोटे छोटे में ये चूहे भी बेच रहा गाइस, ये देखें गाइस ये चूहे बेच रहे हैं, चूहे और बिल्लियाँ जो हमारे आम होते हैं वो यहाँ पे सेल्स हो रहे हैं। और गाइस सबसे बढ़ के आपको दिखाते हैं ये लाइट चेक करें, ये तो हमारे काम की नहीं है, ये देखें पाकिस्तान में बंदूक ही नहीं होती और यहाँ पे देख कुत्ता भी कुर्सी पे बैठा हुआ है गाइस। हेलो तो गाइस ये आगे ट्रेडिशन, तो गाइस ये हम सर गाइस चेक करें यार, कुत्ता चेक करें कितना खूबसूरत है। तो गाइस इस तरफ ये चेक करें, ये फिर आगे ट्रेडिशनल ज्वेलरीज आगे, और नेक्स्ट ये चेक करें गाइस, ये पंखे दस्ती पंखे, हेलो हाँ ये दस्ती पंखे हैं। सो गाइस ताहा भाई को जल्दी है तो ताहा भाई ने कहा कि हम चलते हैं फिर। और गाइस ये सामने चेक करें इसी तरफ ये गिफ्ट वगैरह भी लगे हैं और ये इस तरह ये देखिए वो ये भी मज़े में सूटे लगा रहे हैं, इस तरह की लोकल स्ट्रीट्स हैं और लोग इस वक्त इंजॉय करते हैं। तो फिर हम ताहा भाई को जल्दी है तो गाइस हम भी चलते हैं जल्दी जल्दी, फिर बाइक पर बैठते हैं तो लेट्स निकल। गाइस जल्दी जल्दी से ये चेक करें, ये है फूड स्ट्रीट और चाइना में जो लोकल लोगों की होती हैं फूड स्ट्रीट्स ये वो हैं, और इसमें तरह तरह के खाने वगैरह मिलते हैं, हलाल भी हैं इसमें, काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर के फासले पर है। और इस तरफ गाइस ये चेक करें, ये मेले भी लगे हुए हैं चाइना में, ये देखें गाइस ये भी अपने माहौल मचते में हैं। एक दिन हमारे साथ भी यहाँ इनके साथ प्रोग्राम बड़ा था गाइस, ये गाइस चेक करते हैं, ये चाइनीज़ लोग हैं और ये खाबों के चाइना के खाबे कह सकते हैं, ये ऐसे लाहौर और गुजरांवाला के खाबे मशहूर हैं ना, चीले के चने और मोता
होता नहीं देने वाले। इस तरह यहाँ भी कुछ हलाल रेस्टोरेंट हैं जिनका हमको अच्छी तरह मालूम है, वो भी काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ एक टिक्के वाला रेस्टोरेंट हो गया और एक आगे नान वाला आता है, देसी नान वाला, और उसके अलावा हलाल यहाँ पे बीफ भी मिलता है, मटन भी मिलता है। उसके अलावा गाइस इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, यहाँ से ना आइसक्रीम की दो तीन शॉप्स हैं, बहुत मज़े की आइसक्रीम देते हैं। सो गाइस, तो अभी हम यूनिवर्सिटी के साथ जो हमारा पहला चौक बनता है, और वो सामने ये जो बिल्डिंग जो देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनमें फ्लैट्स हैं, और नीचे है वो मार्ट जहाँ हमारा ऑलमोस्ट डेली आना होता है, क्योंकि हम डेली की ग्रोसरी और सब्ज़ी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से वूमार्ट से लेते हैं। और अभी वूमार्ट बंद है, और अभी 10:10 हो गए हैं, और मैकडोनल्ड अभी खुला है। वो नीचे आप गाइस देख रहे होंगे, ये मैकडोनल्ड का एम आपको नज़र आ रहा होगा। मैकडोनल्ड 11:30 बजे ऑलमोस्ट बंद होता है, और ये देखें गाइस सिग्नल वगैरह ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस तरफ। गाइस सिग्नल ओपन हो गया तो हम भी जा रहे हैं। अभी गाइस वूमार्ट बंद है, हमने वूमार्ट से सब्ज़ी लेनी थी, तो हमारा भी अभी बहुत लेट नाइट कुकिंग का प्लान बना है, तो फिर अभी हम उसको छोड़ के ना अभी हम जा रहे हैं गाइस 24/7 पे। तो चलें हमारे साथ 24/7 चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कि हमने क्या लेना है और क्या सीन है, 24/7 कैसे है, कुछ भी है, लेट्स गो। सो गाइस, तो हम अभी 24/7 आ गए हैं, ये है हमारी फेवरेट, और इस वक्त रात का टाइम है, और इस वक्त चाचा की ड्यूटी है, तो लेट्स सी गाइस। ताहा भाई जाते हुए गाइस, तो हम आ गए हैं 24/7, ये हमारी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से हमें हर चीज़ मिल जाती है, बहुत अच्छी भी और बुरी भी। ये आप सब्ज़ी वगैरह चेक करते हैं गाइस, यहाँ से साग भी मिलता है, और वो सामने से चिकन वगैरह और वो चीज़ें भी मिलती हैं। इस तरफ गाइस ये चेक करें, ये खीरे भी पड़े हुए हैं और तोरियाँ भी पड़ी हैं। और ताहा भाई अभी शॉपिंग करने लगे हैं, और इस तरफ गाइस चेक करें, यहाँ से अल्कोहल निकोटीन ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। और ये है 24/7, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन छोटी सी शॉप है, उनके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी से ये पैदल तकरीबन 10-11 मिनट की मुसाफत पर है, और बाइक पे आलमोस्ट 2 मिनट की मुसाफत पर हम 24/7 आ जाते हैं और यहाँ से शॉपिंग करते हैं। लेट्स सी। सो गाइस, तो देख लें, मुझे भी देख लें 24/7 के ऊपर, और इस तरफ गाइस हम आपको दिखाते हैं 24/7 से जो ये गाइस चेक करें, ये गाइस ये चेक कर रहे हैं, ये 1.8 RMB का कैन मिल रहा है, लेकिन हमारा इसके साथ बाइक आर्ट है, इसराइल के साथ बाइक आर्ट है, इस तरह की के इसराइली प्रोडक्ट्स के साथ बाइक आर्ट है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो बाकी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं बाय। और इस तरफ है इसका काउंटर और मेन गेट, और ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। तो सो गाइस, एक आपको ना यहाँ की नायाब चीज़ दिखाते हैं। सो गाइस, जो नायाब चीज़ दिखानी था वो ये है। सो गाइस, ये देखें कद्दू का साइज़ चेक करें, और गाइस एक ये चीज़ पड़ी है, ये है तो कोई सब्ज़ी है, और ये देखें इसका साइज़ कितने, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आलमोस्ट 20 kg प्लस होगी, इससे ज़्यादा इसका वज़न होगा। और आप थोड़े कमेंट्स में इसमें ना थोड़ी सी रहनुमाई करें अपने इलम की रोशनी में कि ये क्या चीज़ है, क्या कुछ है। सो गाइस, तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी इंफॉर्मेशन थी इसमें। तो सो गाइस, आपको मालूम हुआ होगा कि हमारा वीकेंड कैसा गुजरा है, और ये हमारी आलमोस्ट 20-25 मिनट की जो आउटिंग थी ये कैसी गुजरी है, और ये थी हमने आपके साथ शेयर किया। आप भी कुछ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर किया करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और देखेंगे हम चाइना में कैसे रह रहे हैं। एक नॉन मुस्लिम कंट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम सर्वाइव कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ईच एंड एवरी थिंग, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मैं मोहम्मद सुफियान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।